दोनों चाहिए। फिर कहा गया है कि समाज, सबसे पहले हमको समाज में एक अच्छा नागरिक देना है, तो समाज का निर्माण कक्षाओं में चल रहा है ऐसा कहा जाता है। समाज शिक्षाविद क्या बोल रहे हैं, समाज का निर्माण कक्षाओं में चल रहा है, तो शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है। उनकी जिम्मेदारी है कि समाज के लिए अच्छे लोग बनाए, तो इसलिए क्या शिक्षक इनोवेटिव टीचिंग के द्वारा अपने उद्देश्यों में उद्देश्यों को पूर्ण कर सकता है ना। शिक्षण सहायक सामग्री आज हम यूज कर रहे हैं, पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था तो जैसा चल रहा था, बट आज है ना, आज जैसे आप सब भी जानते हैं कि मारना पीटना अपराध है, बच्चों को कैसे हम लोग उसके अंदर जो नॉलेज है उसको डालें, तो इसलिए इनोवेटिव शिक्षण के द्वारा शिक्षक खुद पीपीटी बनाता है, स्वयं निर्माण करता है। उसके लिए क्या करना है, स्वयं को सीखना है, अनुदेशात्मक शिक्षण आप लोगों ने समझा होगा पढ़ा होगा। अनुदेशात्मक शिक्षण में क्या करते हैं कि प्रोग्राम बनाकर डाल दिया जाता है, लेसन बनाकर डाल दिया जाता है, फिर बच्चा उसको पढ़ता है, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करता है, एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, यदि गलत होता है तो कंप्यूटर खुद ही उसको बता देगा कि ये गलत है ये सही है, है? तो इससे क्या है, बच्चा आजकल उसको बच्चों को शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं है, शिक्षक तो क्या है एक गाइड के रूप में रहता है ना, उनके पास सारा चीज है, केवल गाइड के रूप में कक्षा में भी रहते, उसको केवल उनको बताना है ना, तो वो स्वयं कर सकते हैं। और ये आज हम जो शिक्षण पद्धति है, जो हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर रहे हैं, और समूह शिक्षण और ग्रुप जिक्सॉ मैथड